श्रद्धे आचार्य जी भी अपने कुछ आशीर्वाद के दो शब्द कह करके फिर आगे प्रस्थान करेंगे, क्योंकि आचार्य जी के ऊपर बहुत सारे दायित्व रहते हैं एक साथ। तो आचार्य जी पहले आशीर्वाद के दो शब्द कहें। आपकी उन्नति के लिए, आपकी समृद्धि के लिए, आप जीवन में सर्वविध उन्नति कर सकें उसके लिए यह प्रयास है। परंतु एक बात ध्यान रख लेना, दुनिया के कितने भी बड़ी ऊंचाइयों को तुम पाना चाहते हो, प्रारंभ जहां पर तुम हो वहीं से ही होता है। हम ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, पर जहां पर हम खड़े हैं वहां हम खड़े नहीं होना चाहते हैं। एक भूल मत करना, जहां खड़े हो तुम्हारे लिए उससे सुंदर कोई अवसर नहीं हो सकता, उससे सुंदर कोई अवसर नहीं हो सकता। मैं कई बार मैं सोचता हूं, सच बताऊं, आप लोगों के सौभाग्य पर मुझे ईर्ष्या होती है, सच में होती है सौभाग्य पर ईर्ष्या। हाँ, यदि इतना सौभाग्य हमको मिला होता ना, न जाने हम क्या कर देते। मैं आज भी इस बात को सोचता हूं। और आपको काम करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरी स्वतंत्रता भी है। तुम कहीं भी जाओ ना, योग्य बनो ना, अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए जीवन में ये समझ लो कि जहां भी आप पहुंचना चाहते हैं। तो मैं दो बातें उदाहरण देना चाहता हूं। हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ते थे, कई मित्र लोग साथ में ही थे, परंतु अभी वो लोग, उस समय पर हमको उनसे भी ईर्ष्या होती थी। कुछ बहुत अच्छे वक्ता थे, कुछ बहुत तीव्र बुद्धिशाली थे। ऐसा लगता था कि न जाने ये तो दुनिया के शिखरों को छू लेंगे और हम धरती में रह जाएंगे। पर आज लगता है कि वो भी इन्हीं दुनिया में विचरण कर रहे हैं और बहुत पीछे हैं। वो एक ऐसा क्यों हुआ? कछुए और जो खरगोश की कहानी, वो प्राचीन काल में ऋषियों ने ऐसी कल्पना नहीं की थी मेरे भाइयों, उसके पीछे बहुत बहुत रहस्य है, उसको कभी मत भूलना। तो कछुए हो ना, निरंतरता मत छोड़ना, कोई बात नहीं, पहुंच जाओगे। खरगोश बन करके सो गए ना, सत्यानाश हो जाएगा, यही ध्यान रख लेना। और महर्षि पतंजलि ने भी यही कह रखा है, योग दर्शन में तुम पढ़ते रहो, सारे दर्शन पढ़ते रहो। देखो, मैं एक बहुत स्पष्ट वक्ता हूं, ये आपको पता होना चाहिए। हिमालय में, गंगोत्री में, गुफाओं में 10-10 साल बर्फ में गला दिया लोगों ने, बर्फ में गला दिया, और तीव्र संवेगानाम आसन्न हो गया था। पर जब तीव्र संवेगानाम आसन्न जब वो उतर गया, वो नीचे आ गए, एक की दो दो बीवियां हैं, खत्म हो गया काम। तो क्या करोगे उस तीव्र संवेग का? वो दीर्घकाल वाला ही ठीक है, धीरे धीरे चलो, आराम से चलो। आप तो धीरे चलते नहीं आचार्य जी। मेरी ये धीरे गति, धीमी गति ही है ये। हाँ, मैं कदम पे कदम बढ़ाता हूं, मैं जंप नहीं मारता हूं। धीरे धीरे में मतलब आप जंप मत मारो, कदम जितनी तुम्हारी ताकत हो उतनी कदम चाल रख सकते हो ना। धीमे का मतलब ये थोड़ी ना कि बोले हाँ ठीक है, एकदम सो ही जाओ अजगर की तरह से। निरंतरता से आगे बढ़ो, पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ो। और मैंने कहा ना, उनके सौभाग्य पर मुझे ईर्ष्या होती थी, पर आज हम देखते हैं उनको तो कोई कहीं नहीं पहुंचा, दुनिया में ही विचरण कर रहे हैं। दूसरी बात हम ये देख रहे थे, अभी कई बार तुम लोग गए हो अभी ऋषिकेश वगैरह भी, ऋषिकेश में बहुत अच्छे घर के, यानी जिस कुल वंश की तुम प्रशंसा करते होगे उससे भी बढ़िया कुल के होंगे, परंतु वो बेचारे क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं। उनको नहीं कहीं ढंग की विद्या मिल रही है, न संस्कार मिल रहे हैं, न कोई बताने वाला गुरु मिल रहा है। भटकते भटकते कोई तो किसी आश्रम में भटक रहा है, कोई किसी सुल्फैया आध्यात्म के नाम पर। आध्यात्मिकता तो विलुप्त हो गई, पर जीवन का भटकाव वहां से शुरू हो जाता है। उन लोगों को देख करके सोचिए कि क्या। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा ना कि विद्या बुद्धि सामर्थ्य कुल वंश खानदान वहां आपसे कम नहीं होंगे, और उससे बड़ी बात मैं कहूं तो आपसे श्रद्धा भक्ति और समर्पण भी कहीं 21 वो लोग होंगे। सब कुछ तो था पर प्रभु की कृपा नहीं थी वहां पर। प्रभु कृपा होती तो वो भी कहीं महाराज जी के पास पहुंच जाते। तो इसीलिए
यदि अभी आप कुछ न कर पाए, अब भी आप अपने जीवन को सही दिशा न दे पाए, तो कभी भी किसी को दोष मत देना। कहीं ना कहीं अपने अंदर झांक करके आप देख लेना। इसीलिए बात छोटी है पर बात बहुत बड़ी है। फिर चिंता किस बात की है जब तुम ये सोचते हो कि ये सारा जीवन समर्पित है। अच्छा है ना, शांति से मस्ती से जिस तरह से दिन कट रहे ना, भगवान से ये प्रार्थना करो। मैं तो एक बात मानता हूँ, देखो जीवन की उन्नति क्या है यदि मुझसे आप पूछते हो ना, जीवन की उन्नति वह है यदि जीवन में अवनति नहीं है ना, तो वो जीवन की उन्नति है। जहां तुम आज खड़े हो ना, अगले कदम तो हम कभी भी अगले कदम हम चला लेंगे, चल लेंगे, परंतु ध्यान रखना बैक गियर ना लगे। मैं कई बार तुमको सुनाता हूं, एक दो बार सुना चुका था, अभी बात याद आ रही है, क्योंकि बात करते करते भी मेरा मन हिमालय में, पहाड़ में, नदी झरनों में घूम रहा है। मैं घूम रहा हूं अभी, एक दिन घूम रहा था साइकिल से, यहां से 20-20 किलोमीटर हम जाते थे साइकिल में। गए जाने के बाद में हमने साइकिल उठा के जंगल में एक तरफ डाल दिया, ताला लगा दिया, फिर पैदल पैदल चढ़ते थे। जो भी साधु महात्मा, जो भी बाबा मिलता था, मेरे को बड़ा मजा आता था। अभी थोड़ा वो आनंद हम नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग शक्ल देखते पहचान लेते हैं, अच्छा आप ही बालकृष्ण हो। हमने कहा जी हाँ हम ही हैं। कहते अच्छा आप वही हो ना, वही हो का मतलब हम समझ गए हाँ वही हैं, उसका नाम भी नहीं पता। कहते अच्छा ज़्यादातर क्या बोलते हैं, अरे आप वही हो ना जो बाबा रामदेव जी के साथ रहते हो। हम सब महात्माओं से ना बड़ा आनंद आता था, मस्ती आती थी। मैं कुछ नहीं, उस महात्मा को अपमानित करने के लिए नहीं, हमारे मन में कभी ये नहीं आता था, कुछ सीखने के लिए, एक जिज्ञासा, और बड़ा जैसे मनोरंजन सा भी होता था, पर वो अच्छा लगता था। हम जाते कहते थे महाराज जी आप साधु क्यों बने। शांति से बैठा हुआ महात्मा, पहले तो सोचेगा कि आदमी क्या है, अच्छा फिर कहेगा अच्छा बैठ जाएगा, बोले अच्छा। तो अच्छा ये तो कई कई लोगों से पूछ लिया, कई कई उत्तर मिले और कई कई तरह की घटनाएं और कहानियां सुनी। उसके अलावा जो एक विशेष बात रही, महाराज जी कुछ बात बताइए, तंत की बात। तो उसने एक बार, एक महात्मा ने कहा, पहले मेरा नाम नूम पूछ लिया था उसने, मैंने बता दिया था मेरा नाम बालकृष्ण है। बोले बालकृष्ण ये बताओ, क्या तुम जिस दिन घर से निकले थे आध्यात्मिक मार्ग के लिए, जो तुमने सोचा था, उस दिन तुम्हारे मन में जो भाव थे, क्या आज भी वही भाव हैं क्या? पहला प्रश्न उसने ये पूछा था मुझसे, और वह प्रश्न आज भी मैं अपने आप से पूछता हूं, हर रोज पूछता हूं। क्योंकि कई बार हमको ऐसा लगता है, दुनिया को देख करके, दुनिया के लोगों को, चाहे वो सांसारिक हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हैं, चाहे बहुत सारे लोगों को देख करके, कहीं हमारी यात्रा ऐसी ना हो जाए। मैं कई बार इस बात को बोलता हूँ, एक मक्की के भरपूर खेत में जहाँ पूरी मक्कियाँ लगी हों, और बंदर घुस गया किनारे से और मक्की तोड़नी शुरू करी उसने, तोड़ते क्या कर रहा, उसके पास कोई थैला और बोरा तो था नहीं, अपने काख में डालना शुरू करा, यूं दबाई फिर एक तोड़ा और दबाई एक तोड़ा और दबाई, ये बताओ काख में कितने मक्की आनी थी। एक रखा दब गया, दूसरा रखा दब गया, तीसरा रखा तो पहले वाला गिर गया, फिर दो ही रह गए, फिर चौथा रखा तो भी दो ही रह गए, सारा खेत खराब करता हूं। परले कोने में पहुंचा ना, वो दो ही लेकर के निकला, सारी जिंदगी जो है ना, सारे जिंदगी में जो है ना, पूरी भाषण झाड़ी, सारे शास्त्र रगड़ मारे, सब कुछ कर लिया, पर यात्रा वो बंदर वाली नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यह प्रश्न मैं आज भी अपने आप से पूछता हूं, तो यह प्रश्न अपने आप से भी पूछना, और इस प्रश्न का उत्तर हां में मिले ना, समझ लेना तुम दुनिया के सहनशाह हो, फिर तुम्हारा कुछ कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यदि ना में मिले तो समझ लेना कुछ गड़बड़े सुधार कर लेना, बस इतनी ही बात है। दूसरा मेरे को उसने पूछा, वो बड़ी विचित्र बात थी,
उसने कहा कि ये बताओ, कभी तुम ध्यान में बैठे हो या कभी परमात्मा को जब तुम याद कर रहे हो, परमात्मा को याद करते हुए बहुत परमात्मा की याद में, परमात्मा के आनंद में तुम्हारे आँखों से कभी अश्रुधारा बही, कभी आंसू निकले क्या? दूसरा प्रश्न उसने ये पूछा था। सच बताऊं, उससे पहले तो मैं कब रोया मुझे नहीं पता, उसके बाद में मैं कई दिन तक रोता रहा। मुझे लगा सही में जब हम परमात्मा को सब कुछ मान करके जीवन में कदम आगे बढ़ाते हैं, तब जब कुछ थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आती है तो हम दूसरा आलंबन और आश्रय क्यों ढूंढना शुरू कर देते हैं? यदि भगवान है तो उसकी जिम्मेदारी है, और नहीं है तो फिर हम क्यों भटक रहे हैं? तो दृढ़ ईश्वर विश्वास, परमात्मा के ऊपर अटूट विश्वास, ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। जीवन को देखना हो, जीवन बहुत छोटा है यदि एक तरह से आप सोचो तो, और दूसरी तरफ से सोचो तो एक एक पल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। जिसके लिए हम आए हैं, जो हमारा लक्ष्य है उसको करना और पाना हो, जीवन बहुत छोटा है। और इससे इतर यदि तुमने कुछ ढूंढा तो जीवन बहुत लंबा है। इसीलिए शास्त्र एक तरफ से तो कहता है कि शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम, कि जो अच्छा है वो तत्काल प्रवृत्त हो जाओ, जो बुरा है उससे बचे रहो, बचे रहो, बचे रहो। पर दूसरी तरफ फिर वहीं कह देते हैं, कहीं लिखा है, कोई लोग कहते हैं, मैंने कहीं पढ़ा, कहीं लिखा हुआ कि शीघ्रता के लिए भी समय की आवश्यकता होती है। हमको ये समझना है शीघ्र कितना चलना है, उस शीघ्रता के लिए कितनी समय की हमको जरूरत है, उसको बैलेंस बनाइए। जब आप बैलेंस बनाओगे जीवन स्मूथ चलेगा। हम 10 निर्णय लेकर के 5 को बदल दें तो निर्णय लेने में, लेकर के चलने में, बदलने में जितनी ऊर्जा की हानि होगी, इससे अच्छा यदि आप 2 को लेकर के 2 को सीधा सीधा चलते हो ना, वो 10 से वो ज्यादा शक्तिशाली निर्णय होते हैं और ज्यादा परिणामदायी निर्णय होते हैं। तो इसलिए मन को मत भटकाओ। दुनिया में बहुत सारे अच्छे काम हैं, पर सारे अच्छे काम का ठेका लोगे एक भी काम नहीं कर पाओगे। सुनिश्चित करो किस फील्ड में, किधर जाकर के किन चीजों को आप करना चाहते हो। जब अब काम ज्यादा किया जाता है ना, वहां पर उस कार्य की संख्या में नहीं, कार्य की प्रतिशत में तुम्हारा आकलन हो। संख्या तो हजारों हो सकता है हमने अच्छा काम किया, नहीं, जब हमारा कार्य का जब मूल्यांकन हो, हजारों का मूल्यांकन कम होता है, प्रतिशत का मूल्यांकन ज्यादा होता है। अद्भुत विद्वान बन के दिखाओ तो वहां प्रतिशत हुआ, वहां 50 विषयों में नहीं हुए, एक विषय में हुआ, एक कार्य में आपने अपनी प्रतिभा दिखाई है, तो उसकी ज्यादा गणना होती है। बाकी कार्य उसके सहयोगी कार्य के रूप में होते हैं। एक मुख्य कर्म होता है, एक मुख्य कर्म होता है, बाकी उसके साथ गौण कर्म होता है। सदैव स्वामी जी कितना कुछ भी कर ले दुनिया में, इस जन्म में एक योगी और एक योग गुरु के रूप में ही जाने जाएंगे। इस जन्म में दूसरी पदवी नहीं मिल सकती, क्योंकि उसमें इतनी यात्रा कर चुके, इतनी आगे बढ़ चुके हैं ना एक जगह पर, तो वह स्वरूप है, उसके आधार पर बाकी चीजें। तो ऐसे ही आप लोग भी अपने जीवन में, अपने लक्ष्य में एक सुनिश्चित बना करके बड़े आनंद के साथ चलो, और जीवन को यदि उत्सव मानोगे तो हर पल खुशी से बीतेगा, और जीवन को आफत मानोगे तो बिना कुछ हुए भी हर क्षण रोते रहोगे। तो जीवन को उत्सव मानिए, उत्साह से आगे बढ़िए, अपने सौभाग्य के लिए भगवान को धन्यवाद करिए, गुरुजनों का और माता पिता ने जो भी दिया, जो भी किया है। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ,
क्योंकि यदि आप लोग सच्चे मन से अपने कर्तव्य का पालन में जुटोगे ना, यदि परिवार और घर रिश्तेदारी में यदि अनुकूलताएं नहीं भी है ना, वो अपने आप अनुकूल हो जाएगा, सारी उनकी विषमताएं, दारिद्र्य, गरीबी, अभाव सब अपने आप दूर हो जाएंगे, ये मैं लिख करके दे सकता हूं, ये मेरी गारंटी है। मैं पढ़ता था इसको पहले, मेरे मन में भी बात आती थी कि बोले एक तरफ तो लिख रखा कि माता पिता की सेवा करना चाहिए और ये होना चाहिए होना चाहिए, दूसरी तरफ बोले साधु बनो, बैरागी बनो, त्यागी बनो, जंगल में निकल जाओ, तो परस्पर विरोधी बातें। बोले आदमी जब घर से सन्यासी बनकर निकल जाएगा तो माँ बाप की सेवा कैसे करेगा, फिर दूसरा ये भी तो लिखा हुआ है कि जो सही रास्ते पर होता है वो 21 पीढ़ियों को ताड़ता है, करके देख लेना तुम्हारी साधना, तुम्हारा तप, तुम्हारी बाकी सांसारिक जो भी लोग जुड़े होंगे ना, इतना ही नहीं, इससे यदि आगे बात जानना चाहते हो तो एक योगी तो संसार में आकर के अपने योग के द्वारा, कार्यों के द्वारा, तपस्या के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा दुनिया को बदलता है, दूसरा एक हिमालय में बैठ करके साधना करने वाला योगी भी अपनी साधना की शक्ति से, अंतर की ऊर्जा और तेज से वो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा होता है सूक्ष्म रूप से, इस दुनिया की जो अशांति, अभाव, बाकी जो विकृतियाँ वो दूर करने में सहयोग कर रहा होता है। तो जो हम कर रहे होते हैं फिजिकली वो भी महत्वपूर्ण है, पर जो हमारी अंतर ऊर्जा, जो हमारी सुसंग्रहित जो शक्ति है वो भी बहुत बड़ा काम कर रही होती है, वो बिना कहे भी, बिना बोले भी वो काम कर रही होती है, वो पूरा वातावरण को प्रभाव डालने में सक्षम है, ये समझ लेना। इसलिए अपनी ऑरा को, अपने अंदर की जो तुम्हारी वृत्तियां हैं ना, उसको भी ठीक रख लेना। यदि दोनों बैलेंस होकर के चलते रहे तो ज्यादा काम कर पाओगे। तो इतनी ही है शिक्षा, इतनी ही है दुनिया, इसको समझिए। क्योंकि बाह्य शिक्षा से हम लोगों को शिक्षित करते ही एक पक्ष है, पर अंदर की जो ऊर्जा है वो उससे पूरा वातावरण सोते ही बहुत प्रभावित होता है, तो उसको भी बना करके रखना है। इतिहास में जब से सृष्टि बनी है और आज तक के इतिहास में याद कर लेना, जो भी चीजें होंगी, जो भी पढ़ लेना, उदाहरण ढूंढ लेना, जो मैं कह रहा था कि स्वामी जी ने पूरी दुनिया को योग सिखा दिया, सब कुछ कर दिया, पर कुछ विद्वेष बुद्धि, पूर्वाग्रह मति, संकुचित दिमाग, कुंठित मन, ऐसे लोगों ने यह प्रयास किया कि स्वामी जी जो योग सिखाते हैं वो संपूर्ण नहीं है, शास्त्र का अनुकूल नहीं है, कपाल भांति कहीं लिखा नहीं है, वो प्राणायाम नहीं है, कपाल भांति क्रिया है, इस तरह की बातें आई तो उस दिन हमारे दिल में बहुत दर्द हुआ, यह सिद्ध करने के लिए कि स्वामी जी ने जो कुछ सिखाया है, जो सिखा रहे हैं, जो करा रहे हैं, वो पूर्ण विज्ञान सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, इतना ही नहीं, उन सारी विधाओं को मॉडर्न साइंस के साथ कोरिलेट करके उसको सिद्ध करने के लिए मैं एक ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। तो वो एक बार तो पूरी हो गई थी, पर वो किताब अभी तो मेरे 70% बच गया, तो बचने के बाद में मैंने उसमें इतना ही लिख रखा है, उसमें एक श्लोक है, उसका अर्थ बता देता हूं। दुराग्रह के लोगों के दुराग्रह के उत्तर के लिए और एक मित्र की मित्रता को निभाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है, बस उस ग्रंथ का प्रयोजन इतना ही है। और ऐसा ग्रंथ एक यदि मैंने अपनी कर्तव्य निर्वहन में कर दिया है तो मेरा काम तो कुछ शेष बचता नहीं। मेरे भाइयों देखो, तुम यदि अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य समझते हो तो तुम भी कर लेना, तो हम तो वही काम करते हैं मित्रता के निर्वहन के लिए। तो ठीक है, आप लोग करो अच्छी तरह से, बहुत हमारी शुभकामनाएं, भगवान से प्रार्थना। आचार्य जी का अभिनंदन कर दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।